हाय गाइस, तो देखिए आप, और रात का टाइम हो रहा है और अभी मैं गार्डन में खड़ी हुई हूँ। कितना प्यारा मौसम है आज का, आई लव प्यार। और इनको देखो कैसे आवाज़ कर रही है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है इनको देखकर। और बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग। और आपने जैसे कि लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा मथुरा का, सो या अब मैं कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग से शूट करूँगी फिर से, और आपको एक फिर से न्यू ब्लॉग दिखाती हूँ मैं। और हम लोग करेंगे दिन में मथुरा की परिक्रमा, और वो परिक्रमा होगी छोटी वाली परिक्रमा जो कि हम दिन में करने वाले हैं। और क्योंकि लास्ट जो हमने परिक्रमा दिखाई थी वो थी रात वाली परिक्रमा, उसमें बहुत मज़ा आया था, बट हाँ टाइम नहीं मिला था ज़्यादा रात के टाइम पर, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, टायर फील कर रहे थे, इस वजह से ना मैं रात में परिक्रमा करी, उसके बाद में छोटी वाली परिक्रमा कर रहे हैं दिन में। ठीक है गाइस, सो एंजॉय करिए इस वीडियो को। तो मैं कुछ पिक्स भी क्लिक कर आ रही हूँ यहाँ पर, नाइट का टाइम है, ज़्यादा अच्छी पिक्स तो नहीं आने वाली है, बट थोड़ा सा सोच रही हूँ, पिक क्लिक करा के देखती हूँ शायद अच्छी आ जाए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल। सो हम लोग कल रात में पूरी परिक्रमा करी, और पैदल पूरी परिक्रमा करी बड़ी वाली। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे दो परिक्रमा, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली। सो जो बड़ी वाली परिक्रमा थी वो हम लोगों ने रात में कर ली थी, और वो परिक्रमा हुई थी हमारी 3 घंटे में। 3 घंटे में नॉन स्टॉप चलते हुए, बट थोड़ी थोड़ी जगह रुक भी गए थे बिकॉज थक गए थे इस वजह से, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करते करते खाते पीते गए थे। और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, पर इतनी गर्मी भी नहीं थी कि आप कहीं चल नहीं पाओगे वहाँ पे। सो बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। चलते 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 वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, तो अच्छा लगता है ना। पर जो क्या है ना कि जो होली वाला हुड़दंग होता है ना, बस वो नहीं था, बट भीड़ थी तो अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सब लोग और मस्ती करते हुए जा रहे थे। उसके बाद में काफ़ी लेट नाइट हो गया था, तो आपको पता है जहाँ पे हम लोग वो ब्रजवासी वाले के यहाँ खाना खाते हैं ना, आप लोग भी कभी मथुरा आओ ना तो ब्रजवासी वाले के यहाँ ज़रूर खाना खाना, मतलब शुद्ध देसी घी का जो खाना होता है ना वो उनके यहाँ पर मिलता है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड होता है। ठीक है, तो आप लोग उसके यहाँ पर बहुत ज़रूर ट्राई करना। और फिर पता क्या हुआ कि वो ना बंद था, उसके बाद में हम लोगों ने कहा आप कहाँ पे खाना खाएंगे, मींस अभी तक जहाँ पे खाया है तो वही है क्योंकि सबसे बेस्ट है पूरे मथुरा का, गिरिराज जी का। तो फिर हम लोग आ गए अपने होटल के साइड, और हम लोग अभी गोडिया मठ में रुके हुए हैं। सो उसके जस्ट सामने एक दूसरा ब्रजवासी है और वो भी अच्छा है, सो फिर हम लोग ने वहाँ पर जा कर खाना खाया। और रात का पता नहीं यार क्या टाइम हो रहा था, 12 बज गए होंगे आई थिंक, मैं तो टाइम भी नहीं देखा, ना ही मैंने कोई ब्लॉग शूट करा कुछ नहीं, ना ही आपसे टाटा बाय बाय गुड नाइट बोला, कुछ भी नहीं। ये देखो कल ना मैंने वाली वीडियो अपलोड करी थी चॉकलेट बेनिफिट्स वाली, सो वो अभी देख रही थी मैं, उसके कॉमेंट्स आ रहे थे। सो आप लोग भी बताना कि कैसे लग रहे मेरे वीडियो, और मैं बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है आपको, मैं ना सुबह आज उठी, और उसके सुबह उठने के बाद में ना पैरों में इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा था ना कि क्या होता होगा कि इतना ज़्यादा, मतलब चले 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 और फिर एकदम से आदत नहीं होती, एकदम से चलने लगो ना तो पैर में दर्द हो जाता है, तो सुबह उठने के बाद ऐसा लग रहा था लेट ही रहो अब तो, पर क्या आगे जाना था ना, इस वजह से हम लोग उठ गए। और उठ के फिर हम लोगों ने रूम में ही चाय कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी, और फिर यहीं पे बस ऐसे ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत ऐसे कुछ हो गया, अब जाएंगे। और अभी क्या टाइम हो रहा है, एक सेकेंड, अभी 9 o'clock हो रहा है, और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक्चुअली कब सारे लोग, हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, तो जो माँ पापा वगैरह हैं वो नीचे चले गए हैं दर्शन करने के लिए। एक्चुअली जो जहाँ पे होटल में रुके हुए हम लोग उसके नीचे ही मंदिर है, और मंदिर के ऊपर ये होटल बना है, एक तरह का ये होटल मंदिर क्या है कुछ नहीं आप लोग को अगर पता होगा, अगर आप लोग आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन आया है मथुरा। ठीक है,
तो ना वो सब लोग वहाँ पे गए हुए हैं और ये शावर लेने के लिए गए हैं, तो मैं इनका वेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ मैं, तो चलिए चलते हैं, इंजॉय करते हैं। और देखिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट या कुछ करेंगे जाके, पैदल दर्शन करेंगे जाके, उसके बाद में आपको पता है मैंने ना इतने सारे फ़ोन चार्जिंग में लगा के रखे हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड, देखो पहले बात तो ये दो चार्जर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में इस चार्जर में ये वाला फ़ोन लगा है, ठीक है। उसके बाद में ये पावर बैंक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा फ़ोन लगा हुआ है, ठीक है। और फिर ये तीसरा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप इतनी सारी चीज़ें, ये 2-3 फ़ोन है, एक पावर बैंक और एक ये फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ। तो इतने सारे फ़ोन चार्जिंग में लगा के रखे इकट्ठा, ऐसे तो कार में चार्ज हो जाएंगे, बट फिर मैंने सोचा चलो यार लगा देते, अभी थोड़ा फ्री बैठी हूँ, चार्जर भी रखा हुआ था इस वजह से। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैं लास्ट व्लॉग में नहीं बता पाई थी आपको, एक्चुअली आप सब देख रहे थे ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और परिक्रमा कर रहे थे, बिजी थे इस वजह से। सो मैं आपको बताने वाली थी कि हम लोग हरमन मथुरा वृंदावन क्यों आते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि मैंने सोचा चलो मुझे बताना चाहिए, बिकॉज काफ़ी टाइम से लोग कॉमेंट कर रहे थे कि आप एक ही जगह जाते हो, मथुरा वृंदावन क्यों जाते हो हर बार, और हर मंथ क्यों जाते हो, कितनी बार जाते हो, बोर नहीं हो जाते हो, ऐसा वैसा तो कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा उन लोगों के सामने क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग मथुरा क्यों आते हैं, ठीक है गाइस। सो हम लोग मथुरा इस वजह से आते हैं क्योंकि आज से 15-16 साल पहले, एकदम पूरा तो नहीं मुझे एकदम मतलब पता है, बट जैसा मैं सुन रही हूँ वैसा आपको बता रही हूँ, तो 15-16 साल पहले हमारी इंडस्ट्री में काम हुआ था, और मतलब काम सक्सेसफुल हुआ था। एक्चुअली काम तो बहुत टाइम पहले से चल रहा था, बट 15-16 साल पहले ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से। तो भगवान जी ने सपना दिया था पापा को कि आप गिरिराज जी के दर्शन करिए, मथुरा वृंदावन जाया करिए और मना के आइए वहाँ पे। तो पापा ने सडनली प्लान बनाया कि नहीं चलना है, और जो मेरी मदर इन लॉ है मतलब मेरी माँ है, उनको लेके आए। और तब से लेके आज तक, और पता क्या हुआ कि जब उनको लेके आए ना और यहाँ पे जब आ गए और दर्शन वगैरह करे, और रिसेंटली कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वाकई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और मैं पब्लिकली सोशल मीडिया में ऐसे बता नहीं सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी क्या, बट हाँ मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई थी इंडस्ट्री में, और वो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 50% सॉल्व हो गई वो प्रॉब्लम। तो फिर मतलब बहुत खुशी हुई कि यार हम लोग देखो आए और इतना सब कुछ हो गया। तो वो जैसे कि बताते हैं कि इतना ऐसा हो गया था, तो इस वजह से हम लोग आते हैं। तो मतलब वो लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, और जब मेरी मैरिज हो गई है सो मैं भी सबके साथ में आ रही हूँ, पूरी की पूरी फैमिली आती है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों आते हैं या माँ पापा आते हैं, पूरी की पूरी फैमिली आती है और काफ़ी टाइम से आते जा रहे हैं। तो भी मतलब मथुरा वृंदावन के हर एक गलियाँ, हर एक होटल, हर एक चीज़ मतलब अच्छी तरह से सबको यहाँ पे पता है। और 2 साल से कंटिन्यूसली मैं भी आ रही हूँ, सब मुझे ही पता है, बट मेरा 2 सालों में 1-2 बार ही मिस हुआ होगा, क्योंकि जब मैं अपने मायके में हूँगी तब, क्योंकि मैं जब घर चली जाती हूँ अपनी तो ऑब्वियसली हरमन जाना होता है यहाँ पे, तो ये लोग सब लोग चले जाते हैं, बट मोस्टली मैं भी जाती हूँ अब। सो काफ़ी टाइम मुझे भी आते हुए हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी टच में हो गया ये मथुरा, मतलब अच्छा लगता है ना कि यार इतनी बार हम लोग आ जा चुके हैं, तो मैं अकेले भी यहाँ पे घूम सकते थे, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई इसके बारे में, जैसे कि कोई होटल्स वगैरह हो गए, मंदिर हो गए, रोडी हो गई, तो वो सारी रोडी भी जान गई हूँ मैं। और पता है क्या, इस बार ना हम लोग को वो सामने वाला होटल मिला नहीं है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ है, और आज है बुद्ध, मतलब कल थी बुद्ध पूर्णिमा, कल रात में सो सारे होटल्स वगैरह फुल थे, सो हम लोग को ये रूम मिला है, और अच्छा है रूम, और बहुत मज़ा आ रहा है। पता है आपको, इसके जस्ट सामने जहाँ पे मैं खड़ी हुई है ना, मतलब बैठी हुई ना, इसके जस्ट पीछे बालकनी है, बालकनी से ना मंकी जा रहे हैं, ये देखो मेरे सामने एक खड़ा हुआ है अभी तो ना मंकी सामने से ही जा रहा है, मैंने कल देखा 3-4 मंकी इकट्ठा बैठे हुए थे, और उनके वो छोटे छोटे से बच्चे होंगे उनके साथ बैठे हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के
सो गाइज ये रहा वो विंडो जहाँ पे मैं अभी बैठ के शूट कर रही थी, एक्चुअली आप लोगों से बातें कर रही थी, और इसके जस्ट पीछे बालकनी है और धूप है तो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो यहीं से ना मंकी सारे के सारे घूम रहे थे, तो जस्ट पीछे पट ये ना कि ये जो विंडो है तो इससे कोई डर नहीं है। वैसे भी क्या डर यार, जो हम लोग वो वाली बालकनी थी ना वो तो पूरी ओपन थी, मतलब हम बाहर चले जाते थे उसमें, और मंकी एकदम सामने से निकल जा रहा था, मैं शूट कर रही होती थी और पता है मैंने एकदम रेडी वेडी हो गई थी, मैंने सोचा चलो परफ्यूम लगाती हूँ मैं, ये डियो परफ्यूम बॉडी स्प्रे, आई लव दिस फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। कोई कोई जो परफ्यूम्स होते हैं ना उनकी स्मेल बड़ा अच्छी लगती है, टची टची टाइप्स की, और कोई कोई वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है उसको लगाने में ना। सो इन्होंने भी लगता है शावर ले लिया है, तो चलिए ये रेडी होंगे और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नीचे और दर्शन करते हैं, और धूप बहुत हो रही है, स्टोर लेना पड़ेगा, अपने हेयर को भी बैंड करना पड़ेगा बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। सो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं, और गाइस वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? सो चलिए चलते हैं, बाय बाय। अभी हम लोग ने होटल से चेकआउट कर दिया है गाइज, और अभी हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा करने। सो गाइज अब हम लोग होटल से चेकआउट कर दिए हैं और उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। सो गाइज परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है, आप देखिए ये रही छोटी वाली परिक्रमा, और जो हम लोगों ने कल करी थी वो जैसे कि आपको बताया वो बड़ी परिक्रमा थी, और ये छोटी परिक्रमा कितना अच्छा सा ये तालाब बना हुआ है, और कितना साफ पानी है ना यहाँ का, मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, और आप रास्ते में देखते जाइए कि कितनी अच्छी अच्छी सी चीज़ें मिल रही हैं जो कि मथुरा स्पेशल हैं, जैसे कि चित्रकूट होता है, मथुरा वृंदावन होता है, वैष्णो देवी होता है, हर जगह ये सब चीज़ें मिलती हैं और कुछ स्पेशलिटी होती हैं इन सारी चीज़ों की। तो ये कुछ इस तरह से माला है रुद्राक्ष वाली जो यहाँ मिल रही हैं, हम लोगों ने भी ली थी एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके लिए। सो या और ये बैग्स देखिए जिनमें कान्हा जी बने हुए हैं, राधे कृष्ण हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी नई नई सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद में बीच बीच में रुकते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर से हम लोग रास्ते से रुक गए हैं, और आपको ये दिख रही होंगी छोटी छोटी सी शॉप्स हैं, और ये गली है, यहाँ पे हम जा रहे हैं पैदल पैदल, और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ की स्पेशल हैं, और कान्हा की नगरी है सो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ही हैं, और उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं सीधे, और हम लोग जा रहे हैं राधा कुंड, तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है राधा कुंड का, चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है वहाँ पर हम लोगों को। तो ये यहाँ की सीढ़ियाँ हैं, सो हम लोग सीढ़ियों से नीचे जाएंगे, और यहाँ पे ना काफ़ी धूप हो गई है बट कोई नहीं, यहाँ पे हवा भी चल रही है काफ़ी अच्छी, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है जबकि गर्मी का मौसम है, बट हाँ इतना ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, सो हम लोग ने एक थाली ली हुई है छोटी सी प्लेट, और इसमें कि सारा बुद्ध का सामान है। गाइस ये रहा राधा कुंड जहाँ पे हम लोगों ने पूजा करी है, आप देख सकते हो। तो आप क्या सोच रहे हो परिक्रमा भी खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, परिक्रमा भी जारी है, तो चलिए फिर से हम आपको और परिक्रमा कराते हैं। एक्चुअली हम लोग बीच में रुके हुए थे, और आपको ये दिख रहा है सामने मंदिर, और मंदिर के सामने है बहुत ही बड़ा सा तालाब, आपने सुना होगा मथुरा में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा तालाब है जहाँ पे कुछ हादसे भी हो गए हैं, तो ये वही तालाब है आप देख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग जाते जा रहे हैं रास्ते में।
दोस्तों, परिक्रमा खत्म करने के बाद में हम लोग यहाँ से ले रहे हैं फ्लावर्स और फूल माला वगैरह, जो कि हम भगवान जी को चढ़ाएंगे यहाँ पर। और ये रहा गिरिराज जी का मेन मंदिर, और ये है मथुरा का मेन मंदिर जहाँ पे सभी लोग आते हैं, और स्पेशल मंदिर है ये यहाँ का। यहाँ पर आते हैं, पहले तो पूरी परिक्रमा करते हैं, फिर यहाँ के दर्शन करते हैं। परिक्रमा जाने से पहले भी हम लोग यहाँ के दर्शन करके गए थे, और परिक्रमा ख़त्म करने के बाद भी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, वैसे तो ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं है, बट हाँ फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है आप लोगों के लिए, और हमेशा ये करती हूँ मैं। सो गाइस, वीडियो लाइक ज़रूर करना अगर नहीं करा है तो। उसके बाद में गाइस हम लोग ये वाली माला दे रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल है। सो गाइस, इसको हम लोग रखेंगे अपनी गाड़ी में, बिकॉज खुशबू मार जाएगी हमारी गाड़ी, और फूलों की खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है। हम लोग आ गए हैं अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, सो भूख लग रही है, तो देखिए कुछ मंगाते हैं। कुछ ज़्यादा भूख लग रही है तो शायद थाली ऑर्डर करी है, और क्या ऑर्डर करें, थाली ऑर्डर करी है और कचौड़ी और छोले भटूरे ऑर्डर करे हैं। तो गाइस, हो गया हम लोग का ब्रेकफास्ट कम, लंच हो गया है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया इस वजह से। तो चलिए चलते हैं, पेट पूजा ख़त्म चलिए परिक्रमा भी ख़त्म, अब रास्ते में चलते हैं, एंजॉय करते हैं जर्नी। बाय बाय।